शाहिन के भाई हमारे साथ हैं, शाहिन शाह अफरीदी के भाई, टेस्ट क्रिकेटर रियाज अफरीदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रियाज भाई, ये मुझे कैमरा ये यहाँ करना पड़ेगा आप, क्योंकि हम सबसे जो है ना वो तगड़े हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, शाहिन ने आज कम बैक करने की आखिरी ओवर में कोशिश तो की है, क्या हुआ? पाकिस्तान मैच क्यों हारे? क्या स्कोर कम था या हमने अर्ली ओवर में मार खा ली? नहीं, देखिए थोड़ा सा स्कोर मैं कहूँगा कम था, मतलब 20-25 रन कम थे, अगर वो हो जाते तो आज बड़ा फाइट होना था। नहीं, लेकिन हमने अर्ली ओवर में भाईजान मार भी खाई है, हमने T20 वर्ल्ड कप में मैं और आप दोनों दुबई में थे, इतनी मार नहीं खाई थी शुरू शुरू के ओवर्स में। देखिए T20 है, मार धाड़ का गेम है, लेकिन कमबैक फिर भी आपने देखा सेकंड और लास्ट ओवर में जैसे शाहिन ने कोशिश की, विकेटें हासिल की। देखो T20 में एक ओवर में दो विकेटें गिरती है तो मैच आपके हाथ में आ जाता है, लेकिन ये वही बात है, हम 20 रन शॉर्ट थे, 20 से 25 रन अगर वो होते तो बॉलर को और अच्छा लगता। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आप शाहिन शाह अफरीदी के बड़े भाई हैं, आप खुद पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं, भाईजान लड़का T20 वर्ल्ड कप खेला, बांग्लादेश के खिलाफ खेला, कराची में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेला, फिर वनडे सीरीज़ खेला, आज T20 मैच खेला और पूरा PSL खेला और चैंपियन बना। अब लड़के को थोड़ी रेस्ट कब दे रहे हैं? अभी तो खैर 2 महीने अचानक रेस्ट आ गई, लेकिन उसकी बॉडी को ज़रूरत तो है। देखिए, आपने खुद बोला कि लड़का है, मेरी तरह भावा तो नहीं है ना वो लड़का है तो खेल सकता है, वो आगे 30 साल के बाद रेस्ट करेगा। बंदा कह रहा है कि यार काफ़ी एज होगी, क्रिकेट ज़्यादा खेल रहा है तो उसको थोड़ा रेस्ट कर। आई थिंक अभी वो उसकी वजह से पूरी टीम उठ जाती है, अगर आप देखो जैसे वो एक फाइटर है, पूरी टीम को जगा के। देखो, हम सबको उम्मीद होती है कि शाहिन पहले एक दो ओवर में कुछ ना कुछ करेगा और विकेट भी लेता है, और विकेट भी अल्हम्दुलिल्लाह लेता है, तो मेरे ख्याल से शाहिन इस तरह टीम को बूस्टअप करने के लिए। लेकिन रियाज भाई, जो मैंने जर्नी उसकी बताई है पिछले 6 महीने में, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है। लेकिन ठीक है, लेकिन जस्ट 20-21 है, वो खेल सकता है, वो आम बंदों से चेंज है। उमर, आपका इस पे क्या तर्जी है? नहीं, बिल्कुल मैं पॉइंट इस पे रेस करना चाहूँगा, जब आप यंग होते हो, जब तक आप खुद नहीं कहते कि मैं फिर मुझे नहीं खेलना, तब तक आप इजी है, और यही टाइम है उसका खेलने का। रेस्ट जो आप लोग रेस्ट करने की बात करते हैं, आई थिंक पैचेज में उसको रेस्ट मिलता रहा है, क्योंकि जो उन्होंने मतलब बाबा नहीं हो, 30 के बाद आप चाहते हो कि मुझे एक ही 2-2 महीने का रेस्ट मिले, इस एज में आई थिंक आपको जो आपको रेस्ट रिक्वायर, वो लगातार खेलता जा रहा है। आपने देखा उसको इस एज में भी एक वनडे में रेस्ट दिया गया, PSL से पहले भी रेस्ट मिला उसको, उसके बाद में उसको 1.5 महीने का रेस्ट मिला, तो उसको जो चंक में जो रेस्ट मिल रहा है वो इनफ है उसके लिए, और यही एज है, वो कहते हैं ना कि अभी नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा।